हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कूल डैडी शो में, जहां मैं आज आप सबके लिए लाया हूं रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चाप मसाला रेसिपी। मैं आपसे ये रेसिपी इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि अक्सर आप जब कभी चाप घर पर बनाते हैं तो उसका स्वाद रेस्टोरेंट जैसा नहीं आता, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चाप मसाला रेसिपी। ये बनाना बेहद आसान है, जैसे मैंने यहाँ इस वीडियो में बताया है उसी तरह से आप सब भी बनाइए और इसके स्वाद का आनंद लीजिए। अब यहाँ हमने आधा किलो चाप ली है जो हमारी मार्केट में अवेलेबल होती है, इसकी हमने सारी डंडियाँ निकाल ली हैं। इसके बाद हम इसको बराबर भागों में सारे चाप को काट लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ हम लोग किस तरीके से काट रहे हैं। अब हम चूल्हे पे अपनी कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसमें चाप के फ्राई होने जितना तेल डालेंगे। तेल के गर्म होने के बाद उसमें हम अपने चाप डालेंगे। आप लोग देख सकते हैं तेल इतना होना चाहिए कि हमारा चाप लगभग उसमें अच्छे से डूब जाए। इसमें एक बार में उतने ही चाप डालें जितना आ सके। लगभग 5 मिनट बाद दूसरी तरफ से पलटकर फ्राई करें। और फ्राई करते वक्त हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी जो फ्लेम है ऑलवेज लो मीडियम होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पे चाप अच्छे से अंदर तक फ्राई होते हैं, जिस वजह से यह फूलने लगते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे चाप फूल भी चुके हैं। अब हम इसे दूसरी कढ़ाई में छान लेंगे। इस तरीके से आप लोग भी पेपर लगा सकते हैं ताकि जिसमें इसमें जो जो भी हमारा एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा, जो हमारा पेपर सूख लेगा। अब इसी तरीके से अब हम दूसरे बैच के चाप भी फ्राई कर लेंगे और छान लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से चाप फ्राई हुए हैं, तेल अंदर तक गया है इसमें, आप देख सकते हैं। इसे हम लोग पेपर निकाल लेंगे, इसमें 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। इसके बाद अब हम इसमें 50 ग्राम बटर डालेंगे। इसके बाद अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच दही डालेंगे। इसके बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे और आधे घंटे तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमारी बटर और दही और जो चाट मसाले की ग्रेवी है इसके अंदर तक अच्छे से पहुंच जाए। अपनी ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने यहाँ 4 हरी मिर्च ली है, 8 से 10 लहसुन लिए हैं, 1 इंच अदरक चॉप करके लिया है, 4 से 5 प्याज ली है, 4 मीडियम साइज टमाटर लिया है। अब इन सबको हमने अलग अलग मिक्सी में पेस्ट बना लेना है। यहाँ हमने प्याज का अलग पेस्ट बना के निकाल लिया है और टमाटर, मिर्च, अदरक और लहसुन को एक साथ मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना लिया है। यहाँ अब हम आप सबको दिखाने के लिए अपने मसाले की प्लेट तैयार कर रहे हैं, जहाँ मैंने 4 छोटी इलायची, 4 लौंग, 1 से 1.5 इंच दालचीनी, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी, 2.5 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिर्च और 2 चम्मच भर के कश्मीरी मिर्च
ली है। इसके साथ हमने जीरा को भूनकर उसका पाउडर बना लिया था, जो हमने एक चम्मच लिया है। अब यहाँ कढ़ाई में तेल के गर्म होने के बाद हमने अपने तीनों खड़े मसाले इलायची, दालचीनी और लौंग डाल दिया है। अब इसके फ्राई होने तक का वेट करेंगे। इसके फ्राई होने के बाद अब हम इसमें हमारे प्याज का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ हम अपने प्याज के पेस्ट को लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। और हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ हमें हमारी जो फ्लेम है ऑलवेज लो मीडियम होनी चाहिए। अब यहाँ हमारे प्याज भी अच्छे से भून चुके हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से चला लेते हैं। अब हम इसमें अपने टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसको भी अच्छे से चलाएंगे। अब यहाँ टमाटर का पेस्ट डालने के बाद जो भी हमारा बर्तन में पेस्ट लगा हुआ है उसमें भी थोड़ा पानी डालकर उसे भी अच्छे से पूरा अच्छे तरीके से डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। और लगे हाथ इसमें स्वाद अनुसार हम अपना नमक डाल देंगे। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि हमें रेगुलरली चलाते हुए अपने ग्रेवी को भूनना है। हमारी ग्रेवी थोड़ी भून चुकी है, अब हम इसमें अपने सारे पिसे हुए मसाले डाल देंगे और उस बर्तन में भी थोड़ा पानी डालकर अच्छे से हिलाकर सभी जो भी मसाला हमारा बचा है उन सभी मसाले को इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। जब तक हमारी ग्रेवी भुनेगी तब तक आइए चेक कर लेते हैं हमारे चाप का क्या हाल है। ये देखिए, आधे घंटे बाद हमारा चाप अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब यहाँ हमारी ग्रेवी भी लगभग फ्राई हो चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे उबाल आ रहा है। आप देख सकते हैं सामने दीवार पे भी कितने छींटे गए हैं मसाले के, ग्रेवी के। ये इंडिकेशन है कि हमारी ग्रेवी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसी के साथ अब हम इसमें अपने सारा चाप मैरिनेट किया हुआ चाप डाल देंगे और जो बर्तन में बचा हुआ है उसे भी अच्छे से करछी से निकाल कर उसे भी अच्छे से मिला लेंगे। हम बर्तन में जो भी हमारा बटर और दही का जो भी पेस्ट लगा हुआ है उसमें उस बर्तन में पानी डालकर अच्छे से हिलाकर चाप में डालकर मिला लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट बाद फिर हम इसमें अच्छे से पानी डालेंगे और मिला लेंगे। पानी डाल के अच्छे से मिलाने के बाद अब हम चाप को किसी भी लिड या बर्तन से अच्छे से ढक देंगे और 7 से 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। 7 से 10 मिनट के बाद लिड हटा के देखेंगे। वाओ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, यहाँ हमारे सब चाप के पीसेस ने पूरी ग्रेवी को अच्छे से सोक कर लिया है। अब यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए अब हम बिना लिड के पकाएंगे। 2 से 3 मिनट बाद ये देखिए हमारे चाप अच्छे से सारी ग्रेवी को सोक कर चुके हैं। कितना अच्छा कलर भी आया है, ऊपर तेल भी तैर के आ रहा है। अब हम इसमें लगे हाथ धनिया के पत्ते डाल देंगे। तो अब दोस्तों, तैयार है हमारी यहाँ रेस्टोरेंट स्टाइल बटर मसाला चाप रेसिपी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।